हाय गाइस, तो आज मैं आया हूँ घूमने कुरेठा। तो देख सकते हैं ये है कुरेठा का बोझ और इधर का आसपास का बहुत शानदार और झकास नज़ारा है। मैं देख सकते हैं कुरेठा स्टेशन पर घूम रहा हूँ और इधर पीछे का बैकग्राउंड है और इधर से गाड़ी आता है कटिहार से। फिर ये देख सकते हैं इधर का बगल का नज़ारा और मैं इधर बंगाल की ओर जाता है गाड़ी, जो कि अभी एक सिर्फ बोगी है लगा हुआ। बोगी एक नहीं बल्कि पूरा डिब्बा है, मतलब पूरा गाड़ी है, उसमें से डिब्बा गायब है, गला वाला इंजन, जो कि ये गाड़ी कहीं नहीं जाती, बस यूँ ही लगा दी गई है। और अभी टिकट कट रही है, घंटी भी हो गई है गाड़ी आने की। तो आप देखते रहिए, कुरेठा से चलकर हम जाने वाले हैं बंगाल। तो ये देख लीजिए आसपास का नज़ारा, मैं घूमता हुआ आपको दिखा दूं। और इधर स्टेशन है, ये देखो भाई टिकट के लिए लगा हुआ है भीड़ यहाँ पर, पूरा एकदम स्टेशन पर जाम है। और ये टिकट के लिए लंबा भीड़ लगा हुआ चुका है और मैं भी टिकट के लिए हाजिर हूँ यहाँ पर। ये स्टेशन पर बड़ा सा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, रेलवे स्टेशन दुर्गा मंदिर रेलवे स्टेशन कुरेठा ऐसे लिखा हुआ है। उधर बगल में ही टंकी पानी का है और दुकान सब है। ये स्टेशन का भीड़ है पूरा और मैं यहीं पे बगल में हूँ और टिकट कटाने में भीड़ हुआ, इसीलिए मैं आ चुका पानी पीने के लिए। पानी पी लेता हूँ फिर जाऊँगा टिकट कटाने के लिए। यार देख लो भाई, ये बहस चला रहा है भाई साहब। ये मिल गया टिकट हमें, जो कि 10 ही रुपये लगा कुरेठा टू हरचंदपुर के लिए। तो मैं चला भी जा रहा हूँ दुकान, नाश्ता वास्ता कर लूँ भाई कुछ से कुछ, देखते हैं क्या है खाने में। चलो कैसे नहीं मिल रहा है तो क्या करें, ले लेंगे जब हम साझा तो जाओगे फौरन को जाओ किसी ने रोड पर कल आ जाए साझा दूर में जाओ ये मुझे उठ गए प्लान हम ये दिखी बोली आसपास के पर्ची दे मेरा फसलों का एम का मतलब एक तो एक नंबर 10 रुपए का 10 रुपए